हमने रैम निकाल लिया है, अब दूसरा रैम लगाते हैं हम। देखिए एकदम सिंपल काम भाई, बहुत टफ काम नहीं है, तो इसको मैच कर करेंगे तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। हमने लगा दिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपके पास अगर कंप्यूटर है या फ्यूचर में कंप्यूटर खरीदवाना सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में अक्सर ये प्रॉब्लम आता रहता है और आप बुलाते हैं टेक्नीशियन को घर के ऊपर, और घर पे कस्टमर के टेक्नीशियन पैसा लेता है, आपका नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम घर पर रह के आप सॉल्व कर सकें। देखिए, देख लीजिए, ये पूरा कंप्यूटर का सेटअप है। ये CPU है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। सब आपस में कनेक्टेड है, फर्स्ट क्लास चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब क्या हो गया, इसको ऑन करने पे ना, देखिए हमें यहाँ पावर दिया हुआ है, ये यहाँ से हमने ये पावर प्रेस कर दिया। हाँ, उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहता है। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जब कोई नया वीडियो बनेगा आपको पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ से ऑन कर लिया, देखिए हमारे मॉनिटर में पावर आ गया। अब हम क्या करते हैं, CPU में जो है हम प्रेस करते बटन को, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुका है, ये मतलब इसमें पावर आ चुका है, इसमें पावर आ रहा है, लेकिन यहाँ से सिग्नल यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो अब देखते हैं, वेट कर लेते हैं, क्या हमारा सिग्नल यहाँ पर जाता है कि नहीं जाता है। तो अभी भी कुछ नहीं आया, मतलब एकदम ब्लैक ब्लैक आ रहा है, एकदम पूरा नो सिग्नल आ रहा है, लाइट जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है मॉनिटर का। तो इस प्रॉब्लम को हम सही करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। देखिए, इस प्रॉब्लम को सही करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है। आपने लगा दिया है तो पहला आप चेक करेंगे कि आपका जो कीबोर्ड लगा हुआ ना, ये वायर्ड जो कीबोर्ड लगा वायर्ड वाला, इसमें एक बटन दिया था नल लॉक का, देख रहा ना, ये नल लॉक बटन जो है ये इंडिकेटर होता है कि यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये नल लॉक बटन दबाने पे जल और बुझ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि सिग्नल यहाँ से वहाँ जा नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम कहीं CPU के अंदर है, समझ गए ना। तो नल लॉक का जो चेक कर लीजिएगा आप। तो हमने इसको दबा दिया, कुछ हुआ नहीं है, तो इसको जो हमने जो है हटा दिया। अब देखिए, इसको हम रख देते हैं, तो अब समझ चुके हैं प्रॉब्लम जो है इसमें है। एक चीज़ और चेक कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपका ये बटन प्रेस करने पे लॉक दबाने पे आ जा रहा है ना, तो हो सकता है कि इससे और इसमें जो केबल गया हुआ है, जिसको बोलते हैं VGA केबल, ये देखिए ये एक ब्लू कलर का केबल गया हुआ है, इस केबल को निकाल करके टाइट कर लीजिए आप। अगर यहाँ पर लाइट आ रहा है तो नल लॉक में लाइट जल रहा बुझ रहा है, तो हो सकता है तार ढीला हो, तब इसकी वजह से नहीं आता, इसको टाइट कर लीजिए। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें तो लाइट ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप इसको टाइट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी टाइट करने में नहीं आया, तो एक बार तार चेंज कर चेक कर लीजिए, यहाँ लाइट आ रहा है नल लॉक में। तब अब देखिए कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं सिंपल तरीके से हम करेंगे, देखिए हमारे जो ये पावर दिया हुआ ना, पावर इन दोनों को बंद कर लेंगे। यहाँ से हमने यहाँ से पावर बंद कर लिया है। अब हम CPU खोलेंगे। CPU खोलने पहले चीज़ जान लीजिए कि पैर में चप्पल पहन लीजिएगा, जूता पहन लीजिए, क्योंकि ज़मीन से हमारा बॉडी अर्थ लेता है और आपके करंट मार सकता है, इसलिए यह रहता है कि सुरक्षित रहें और आप जो है थोड़ा सा ध्यान करें इस बात का। तो हमने ये ले लिया। अब देखिए इसको जो है हम हल्का सा टर्न कर लेते हैं। आपके पास किसी ब्रांड का कंप्यूटर हो, जान लीजिए किसी ब्रांड का हो, HP हो, Dell हो, SCL हो, Assemble हो, सब में प्रॉब्लम आता रहता है। तो हमारे पास देखिए एक स्क्रू ड्राइवर है, और इसमें सिंपल तरीके से एक स्क्रू हमने पहले खोल रखा है, इसको हम खोल लेते हैं। खोल लिया था, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हमने इसको खोल लिया है। और उसके बाद देखिए ये कवर दिया, कवर हम निकाल लेते हैं, कवर हम निकाल लिया और कवर को हम नीचे रख लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारा CPU खोल के आ गया, देख रहा ना, CPU खोल के आ गया हुआ। इसमें एक मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें SMPS लगा हुआ है, रैम है, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें हैं, और एक खाली डब्बा है ये। अब दोबारा हम इसको ऑन कर चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। यहाँ से ऑन कर लिया और यहाँ से हमने फिर प्रेस कर दिया। अब देखिए इधर आइए, लेकर यहाँ देखिए फ़ैन है ना, फ़ैन ही फ़ैन चल रहा है, ये देखिए फ़ैन चल रहा है, इसका मतलब इसमें पावर आ रहा है। पावर आने के बाद में यहाँ से सिग्नल नहीं आ जा रहा है, लिख क्या रहा नो इनपुट डिवाइस, लिख क्या रहा, तो कैसे ही करेंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि हार्ड डिस्क जो होता है ना, हार्ड डिस्क का काम होता है कंप्यूटर ऑन होने के बाद काम आता है, इसलिए हम हार्ड डिस्क को SSD को टच नहीं करेंगे, हम टच करेंगे इस सेगमेंट को, इसको भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि पावर यहाँ से दे रहा है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ होता है, यहाँ पर होता है मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर रैम होता है, यहाँ पर होता है CPU होता है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो हम पहले क्या काम करेंगे, हम कर देंगे यहाँ से पावर को बंद कर देंगे, हमने पावर बंद कर दिया। अब देखिए हमारा CPU है ये, तो सबसे पहले चीज़ होता है ना इसके अंदर, सिंपल हमेशा प्रॉब्लम ही आता है इसमें। देखिए इस CPU के अंदर दो रैम लगा हुआ है, जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का आपको, देखिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, दो रैम लगा हुआ है। किसी किसी कंप्यूटर के अंदर एक ही रैम लगा रहता है, इसके अंदर दो रैम लगा हुआ है। दोनों रैम को हम निकाल लेते हैं, देखिए ये रैम को दोनों हम निकाल दिया। ये नॉच होता है, इस साइड नॉच, इस साइड नॉच है, ऐसे हीचिंग निकलेगा नहीं। नॉच को ढीला कर दीजिए, यहाँ से दबा के ढीला कर दीजिए, यहाँ से ढीला कर दीजिए, उसके बाद
यानी कि दोनों रैम निकल गया है, ठीक है। तो ये जो स्लॉट है रैम का, इसमें दो स्लॉट दिया हुआ है, ये वाला रैम स्लॉट है। तो किसी कंप्यूटर के अंदर DDR1 रैम लगता है, किसी में DDR2, DDR3, तो ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ DDR3 रैम लगा हुआ है। तो सिंपल तरीका ये है, हम क्या करते हैं, हमको चाहिए एक ब्रश, चाहिए एक ब्रश ले लीजिए। ब्रश ले करके जहाँ रैम लगा होता है ना, रैम ये स्लॉट है, इसको सिंपल तरीके से आप जो है साफ कर दीजिए। क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आता है कंप्यूटर में और दिक्कत आती है। तो ब्रश से हमने इसको दोनों को साफ कर लिया, ठीक है, और कुछ मत करिए, ये दोनों साफ कर लीजिए। उसके बाद जो आपका दोनों रैम है ना, ये दोनों रैम है, दोनों रैम को लीजिए, और रैम को लेने के बाद में एक चाहिए आपको, ये ऐसा रबर चाहिए, ठीक है। आपके कंप्यूटर में हो सके एक ही रैम हो तो मान लीजिएगा, किसी कंप्यूटर में हो सके चार रैम हो तो चारों के साथ ऐसे कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, दो रैम लगा हुआ है, दो रैम के अंदर एक रैम खराब हो जाता है, एक रैम खराब हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम ही आता है। तो हो सकता है दोनों रैम खराब हो, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि दोनों रैम एक साथ खराब हो। तो हमको लगता है कि कोई अगर रैम खराब होगा तो हम बदल लेंगे, वरना पहले हम साफ कर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे जो है लगा दिया, रगड़ दिया, और इसको आप भी दोनों साइड से, इसका जो गोल्डन पार्ट है ना, गोल्डन पार्ट ये बच्चे वाला स्कूल रबड़ है, उसको लेकर के आप दोनों साइड से रब कर दिए, रब कर दिया हमने दोनों साइड में, और उसके बाद उसको साफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जैसे साफ कर लीजिए, उसको हमने साफ कर लिया, साफ कर लिया, और ब्रश से मारना होना तो ब्रश से मार दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों रैम को हम दोबारा लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने लगाया, देखिए इसमें एक क्या कि नोटिस करिए, कट मार्क दिया हुआ, कट मार्क हम ऐसे लगाएंगे उल्टा लगेगा नहीं, तो ये कट मार्क और इसका कट मार्क मैच करना चाहिए तभी लगता है। तो हमने एक रैम यहाँ लगा दिया, देखिए यहाँ पे ऐसे करके हमने रख के ऐसे या नॉच दिया, उसको दबा दिया हमने, यहाँ दबा दिया, उसके बाद ये दबा दिया, उसके बाद ये वाला रैम दिया हुआ कट मार्क मैच करके हमने यहाँ से इसको ऐसे दबा दिया, देखिए लगा दिया, हमारा रैम बैठ चुका है। अब ये दोबारा हम पावर यहाँ से ऑन करते हैं, पावर हमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में दोबारा हम जो है इसको ऑन करते हैं, देखिए ये ऑन कर दिया, पंखा चल चुका है। अब वेट कर लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ, अभी लिख क्या रहा है, नो इनपुट सिग्नल लिख क्या रहा है, वेट कर लेते हैं कि कभी कभी मॉइस्चर होता है दिक्कत आता है। तो अभी भी भाई साहब डिस्प्ले नहीं आया, मतलब कुछ आए नहीं लिखकर, इसका मतलब या तो रैम ख़राब है या तो प्रॉब्लम कोई और है। तो अब दूसरा नोटिस क्या करते हैं, इसको हम फिर बंद कर देते हैं। अब हमारे इस कंप्यूटर में ना दो रैम लगा हुआ है, तो हम एक रैम निकाल करके एक रैम पे चलाने का प्रयास करते हैं। अगर आप में एक रैम लगा तो आपका एक रैम ख़राब हो सकता है। तो अब दोबारा हम निकाल के, तो हमने एक रैम यहाँ से निकाल लिया, एक रैम निकाल दिया, उसके बाद दोबारा जो है इसको निकाल दिया हमने। अब एक रैम पे भी कंप्यूटर चल जाता है, जानिए कि इस बात को, दोबारा पावर ऑन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से दोबारा हम इसको जो है ऑन कर लेते हैं। तो हमने एक रैम लगा दिया है, और ये DDR3 2GB का रैम है, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया है, और दोबारा एक रैम से चेक कर लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ। मुझे लगता है शायद इस बार भी कंप्यूटर जो है ऑन नहीं हुआ, फिर वो लिख क्या रहा है, नो इनपुट सिग्नल लिख क्या रहा है, ठीक है। तो अभी लिख क्या रहा है, तो दोबारा इसको बंद कर लेते हैं। अब ये वाला जो रैम है ना, इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ये काम किया नहीं काम किया। तो फिर यहाँ निकाल लेते हैं इसको, हमें इसको निकालने के बाद में दोबारा हम ये रैम लगा देते हैं। तो हमने रैम निकाल लिया है, अब दूसरा रैम लगाते हैं हम, देखिए एकदम सिंपल काम भाई, बहुत टफ काम नहीं है। तो उसको मैच कर करेंगे तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। हमने लगा दिया, फिर यहाँ से ऑन करते हैं, उसके अब चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो दो रैम लगा हुआ था, उसमें एक रैम निकाल दिया पहले बार लगा करके, और इसको ला के हम चेक कर लेते हैं कि ओ भैया आ गया, लिख के आ गया एंटर। इसका मतलब कि ये एक रैम जो लगा हुआ है ना, ये रैम ख़राब है, ये PC3 ये है। अब देखिए लिख के आ गया है स्टार्टिंग विंडोज़, देख रहा ना ये। तो इसका मतलब कि कंप्यूटर में दो रैम लगा हो तो एक रैम ख़राब है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी आपके इस कंप्यूटर में एक ही रैम लगा होगा, तो आप भी इसको जो है इस रबड़ से साफ़ कर लीजिएगा, और साफ कर लगाइएगा तभी नहीं चलता है, उसका स्लॉट साफ कर ही नहीं चलता है तो रैम ख़राब है। तो हमारे इस कंप्यूटर में दो रैम लगा हुआ था, एक रैम ख़राब है। अभी हो सकता है कि एक रैम निकाल के भी कंप्यूटर कस्टमर चलाना चाहता है तो चल जाएगा 2GB के ऊपर, बस ये थोड़ा स्पीड स्लो मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर चल जाएगा ना। अब जाइए मार्केट के अंदर, अगर आपको ज़रूरत है तो दुकानदार को दिखा करके और रैम की भैया रैम ये ख़राब हो गया, तो सेम FSB का सेम टाइप का रैम आपको दे देगा, और फिर जिस प्रकार से निकाल लेते उस प्रकार से लगा देंगे, आपका कंप्यूटर जो है फर्स्ट क्लास तरीके चलने स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में रैम का प्रॉब्लम बहुत बार आता रहता है, और बहुत बार टेक्नीशियन जाते हैं इसको बनाने के लिए तो 400-500 कभी कभी बेवकूफ़ बना कहते हैं कि मदरबोर्ड ख़राब है, उसका पैसा ले लेते हैं। इसलिए सतर्क रहिए और अपने कंप्यूटर घर पर रहकर सिंपल तरीके से बनाए दोस्तों। तो एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था कि नो सिग्नल आता है, ब्लैक स्क्रीन आता है, कैसे कंप्यूटर को सही किया जा सकता है। अगर आप इसे कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आती है, हो सके वीडियो को देखने बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।